फलक बाट मामू मुतासरी ने फलक बाट ओए ओए हुआ क्या आप ना गया करें प्लीज हां जी मामू ऐ तो बड़ी टेंशन ते मेरे दिमाग च वो क्या तुसी देखो पाकिस्तान मौसमी तब्दीलियां दी जद च आ गया लेकिन किसी नु ख्याल ही नहीं आ रहा किधर गईयां ओ पो माग दियां राता किधर गए हो भीगे भीगे दिसंबर वैसे क्या बताऊं मामू जंगलात कम होते चले जा रहे हैं आलूदगी में इजाफा होता चला जा रहा है और सर्दियों का मौसम मुख्तसर तरीन हो गया है मौसम मामू मैंने तो ये देखा है कि पाकिस्तान में अब रिश्तेदारों को तकलीफ में देख के ही ठंड पड़ती है मामू यस आप भी किसी मुसीबत में पड़े और प्लीज मुझे ठंड डालें ताकि मैं गाती फिरूं क्या ठंड पवेगी कलेजे दिल डार रे प्यार दी गंडेरी चुप ले ठंड पवेगी कलेजे दिल डार रे प्यार दी गंडेरी चुप ले माई स्वीट भांजी यस मामू असल च तू खुद बहुत बड़ी मुसीबत है जे एदे बाद भी तेनु ठंड ना पवे ते फिर समझ जा तू ही ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो चुकी है तो वैसे कमाल है मामू yeah. आपको ग्लोबल वार्मिंग का भी पता है क्लाइमेट चेंज का भी पता है मैं तो आपको जाहिल ही समझता रहा तक इस तो पहले कि मेरे अंदर का भंड बाहर आके बाहर वाले मुतबर के मुंह से चमोठे मारन लग पा ए तो बेहतर है तू आज का गेस्ट बुला ले अरे कमाल करते हैं मामू ओके लेडीज एंड जेंटलमैन तो आज का पब्लिक डिमांड होगा पब्लिक डिमांड प्लस क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका अंदाज गायकी जुदा गाना है कौन सा ऐसा इवेंट है जहां पर इनका गाना नहीं बजता तो तशरीफ लाते हैं द वन एंड द ओनली ये सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर थैंक यू जी आपका शुक्रिया गुड टू हैव यू सर थैंक यू आप एक्चुअली पब्लिक के डिमांड हैं और पुरजोर डिमांड पर यहां पर आप हमारे पास हैं और हम सबके डिमांड हैं ऑफ कोर्स आपकी मोहब्बत सारे दोस्तों की मोहब्बत लेकिन असि भी कहेंगे कि तुम्हारे इंतजार च असी रोल ते गए हैं तो अनु देख के चस बड़ी आई मलक भाई आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा कोई गल नहीं पत्री है तेरे सारे द पॉइंट इज कि आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे या फिर प्रोग्राम शेर अफसर मरवत को दे दे नहीं नहीं मैं खुद पढ़ा लिखा आदमी हूं लड़ सकता हूं ओके लड़ना होदे ना लेकिन वो आवाज भरी होदे ये हमारा पालतू पोलर बेयर है भाजी हालात ना लड़न तो ज्यादा खतरनाक है मेरी भांजी बस सर्दियां च इतनी चीजें आंदियां रहंदियां सर सच सच बताइए रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है ये गीत आपने महंगाई को बिजली को गैस को उनको डेडिकेट किया था नहीं नहीं मैंने बेसिकली लिखा था ये कि सच ये है कि रुलते गए हैं बहुत स्ट्रगल की मैंने जिंदगी में ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट करता है ये भी दोस्त खड़े हैं लेकिन मैंने ये लिया था जो मजा ये था कि रुलते गए हैं और मालिका तेरा बड़ा शुक्रिया तू दे देता है चस बड़ी आई बहुत ज्यादा जितना हमेशा नीचे देखना चाहिए हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 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 हमें हर वक्त शुक्र के मकाम पर फायदा रहना चाहिए सर ये बताएं बिजली का बिल जब आता है तो आप प्रमोटर का वेट करते हैं या फिर अन्नी रास इकट्ठी हो गई है उनके सच ये है कि अब इतना ज्यादा बिल आता है कि हम जैसे लोग भी परेशान होते हैं इतना बिल आता है कि हमें पसीना आ जाता है सर आप जैसे बड़े गायक के सामने कुछ भी गाना या पेश करना ऐसे ही है कि जिस तरह दुश्मन मुल्क से बेला बम सुटना लेकिन फिर भी सर मैंने ये जसारत की है कि मैंने पाया दे शोरबे नाल कुछ माइये लिखे ने सर वाह 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 सुनोगे सर जरूर ओ कोई रंग जमाया ए कोई रंग जमाया ए भाई खुशियां दे साज बजने अज मलकू आया ए ओए अज मलकू आया ए पर कोई ताजे नौन हुंदे है कोई ताजे नौन हुंदे भाई मलकू ते गाने सजनों है फंक्शन दी जाने हुंदे ओए फंक्शन दी जाने हुंदे सुन के भाई ओ कोई डबल रजाई ए ओए कोई डबल रजाई
चस बड़ी आई है, कहते चस बड़ी आई है। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये प्रोग्राम में आके, क्योंकि आप हमें प्रमोट करते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पंजाब को, जिसे लहंदा पंजाब कहते हैं, चढ़दा लहंदा सारा ही अपने पंजाब ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये जो फोक को प्रमोट कर रहे हैं, हम जैसे आर्टिस्टों को प्रमोट कर रहे हैं, आपको बहुत शुक्रिया, पब्लिक डिमांड का बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जी। नहीं, थैंक यू, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया मलकु भाई। इससे पहले के लोगों को लगे कि आप फिर रोलन लगे हैं, बह जाने हैं। वेलकम वेलकम मलकु भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहती है पब्लिक डिमांड की पूरी टीम, क्योंकि मुबारकबाद की वजह यह है कि 254 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले एक चैनल टी सीरीज को बीट किया है और ट्रेंडिंग में नंबर वन है एक 600K सब्सक्राइबर्स वाला चैनल जो कि है मलकु भाई का, और इनका गीत एनिमल के ट्रेलर से भी पहले आता है ट्रेंडिंग में नंबर वन पे। ये सर आपके लिए तो क्या ये हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए फखर की बात है सर? ये बात बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब रिप्रेजेंट करता हूँ अपने पंजाब को, ऑफकोर्स, और आपको पता है कि ये गाना नक दा कोका, अगर आप सारे दोस्त पब्लिक डिमांड देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि नंबर वन है जी जी। और ये बड़े ऑनर की बात है, ये स्ट्रगल या कोशिश या अपने कल्चर से जुड़े रहने की वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगा। और नक दा कोका भी आपने मेरे लिए ये गाया था ना, तो अडले नक दा थोपा। मलकु भाजी मुझे पता है तुम मेरे साथ फ्रैंक हो, लेकिन मेरे बेमिस हुस्न को ठीक रेट मत किया करो। एनु पता लगे ना थोपा होंदा की है ते नज़ा है थो। असल जी तुहाडा ते हैगा ना नक दा कोका जी जी, मेरी भांजी वास्ते होंदा अक दा खोपा, अक दा कोलू ते होंदी है जी जी जी। मलकु भाई आप अवामी सिंगर हैं, लेकिन आपने अभी तक बिजली पे, यानी हमारे जो अवामी एक आवाज है दिल की, हमारे जो दुख है उन पे गाना क्यों नहीं बनाया? दुख मेरा भी है लेकिन चले बनाते हैं, लेकिन मॉडल मुझे ये चाहिए फिर। जनरेटर चाहिए बिजली पैदा करे, क्योंकि वैसे बिजली तो पूरी होनी नहीं है। नहीं, तुहानू सिर्फ मॉडल चाहिए या नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पूरा ही चाहिए? बिल्कुल इसलिए चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के डैम बन ही नहीं रहे, आपस दी लड़ाइया नहीं मुक रही, आवाम बिल्कुल पिस गई बाकी। हाय हाय हाय, डैम थोड़ा बन जाना सी बाबे होनी धोखा करके। वैसे महंगाई नाल जिन्ना आवाम रो रही है ना, अगर अथरू इकट्ठे करो तो बिजली पैदा हो सकती है। बाबे काफी ने केड़े बाबे दी गल कर रहे हो? टाइम वाला बाबा जी ने पैसे इकट्ठे किए सी, हुन फड़वाना जे मेनू? ओ आगे इतने नहीं है यार, उन्हें क्यों फड़ना था ना? उसके फंड में तो बाबरा शरीफ जी ने भी 10 लाख दिया था। वाओ, ओ बाबरा शरीफ दा 10 लाख के ओदिया नाला ही समझ बैठी। मेरी भांजी ने भी कहा सी तुसी डैम बढ़ाओ, मैं 4 दिन पानी नहीं पियांगी, ये भर जाएगा। डैम फूल। ओके ओके, रोते गए पर चस बड़ी आई है, ये आज के दिन तक नाकाम आशिकों का दिल जलों का स्लोगन है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये एंथम है उनका। ये आइडिया कैसे आया आपको? ट्रक के पीछे लिखा होता रोलते गए चस बड़ी आई है, आपने भी देखा होगा। ओ यस, हाँ ऑफ कोर्स। लेकिन मेरी आंख बड़ी, लेकिन मुझे ये गलतफहमी थी कि आपके गाने के बाद लिखा गया। नहीं नहीं नहीं, वो पहले के लिखा हुआ, ये बहुत पुराना है। उसके बाद सेकंड गाना मैंने वो जो गाया वो बड़ा अच्छा लगा लोगों को, तू लंग जा साड़ी खैर, ये भी मैंने वहां से लिया था। और एक अभी मेरा गाना मैंने शूट किया दुबई में, बड़ा अच्छा हूं आराम ही। अच्छा, ये सारी आम रोजमर्रा की लाइंस में लेता हूँ, लेकिन उसको लेके चलना आगे मुश्किल काम होता है। नहीं, जिस तरह के फिक्रियां ते तुहानू आमद हुंदी, अगर तुहानू जीटी रोड का सिंगर कहिए बुरा च नहीं लगेगा। मामू, जीटी रोड पर अगर ये नारा चल सकता है मुझे क्यों निकाला, तो मलकु के सॉन्ग क्यों नहीं चल सकते? ओहो, वाओ। अच्छा वैसे मोहसिन, मलकु भाई बड़े दूर अंदेश सिंगर ने, तुहानू पता है पीडीएम दी हुकूमत आन तो पहले ही इन्हां ने उन्हां दी तर्जमानी करती सी। कैसे? रोल च गए हैं पर चस बड़ी आई है। तुहानू पता है ऐसे ही मलकु साहब दे आइटम दा मेरी भांजी हुण रीमेक लॉन्च करन लगी। Really? Oh, thank you. मोहसिन इजाजत है? हां, yes please. Oh, thank you, Allah. जी गाना कर जाइए। ओके मलकु डार्लिंग, इजाजत है जी, जाओ प्लीज। मतलब सुनाओ सुनाओ सुनाओ। दौर पीडीएम दा किसे नु नहीं भूलदा, एवरीबॉडी ओके। दौर पीडीएम दा किसे नु नहीं भूलदा, अखियां चो हर वेले खून डुलदा, 16 महीने अज इनी अन्नी पाई है, रुल के गए ते पैणा है बई किन्नी महंगाई है, भुलना ते
ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾਈ ਮਲਕੂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੈਸੇ ਹੋਊਂਗੀ ਰੋਲਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਏ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਏ ਅੰਕਲ ਘੁਸ ਬੈਠੀਏ ਆਪ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਮਲਕੂ ਭਾਈ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ अच्छा अब अगर मौजूदा दौर में आपको चलते हुए कोई पीछे से आवाज लगाए और मलक अशरफ तो मुड़ के देखते हैं या इग्नोर कर देते हैं इग्नोर कर देता हूं अच्छा पक्के हो गए तुसी मलकू जी दिल जले में शाम को शाका तो करप्ट सिस्टम ने बनाया था मलक अशरफ को मलकू किसने बनाया वाह बड़ी अच्छी बात है मलक अशरफ को मलकू एक तो इस दुनिया ने वाह जो सेकली सच ये है कि लोगों के जो अजीब से रवैये थे उन्होंने सेकंडली गुर्बत ने बनाया बहुत अच्छी गल बहुत अच्छी गल तो आप अपनी मौजूदा जो फीस है वो आप डॉलर का रेट देख के तय करते हैं या आटे का पाओ नहीं मैं बंदे की वर्थ देख के करता हूँ कितने पैसे दे सकते हैं अच्छा मलक साहब लेडी गागा ने मैनू डेट्स दे दीतियां ने ते रेनाल्डो राई नाल भी मेरी डील तकरीबन हो गई अच्छा रेनाल्डो राई ते हुण मैं चाहना तुसी भी अपनी डेट्स दियो ताकि तुहाडा ते भांजी दा कंबाइंड शूट कीता जाए मामू वैसे ये क्या बात हुई आपने मलकू भाई की रजामंदी तो जानी नहीं अपना फैसला सादिर कर दिया मेरी जान हम अमेरिकन फैसला ही सुनाते हैं वरना पत्थर के दौर में भेज देते हैं और जो फैसला मान ले भेजते उसे भी पत्थर के दौर में ही है अच्छा थोड़ी साड़ी काट रही है चोपड़ा इट्स ओके लेकिन मलकू अगर इनकार भी कर दें तो इनकी हुकूमत नहीं गिराई जाएगी किस तरह डिगेगी हुकूमत अच्छे केड़ा शेर मियां दाद ने साइफर लहरा के इन्हों नाहल करा देना ठीक है मैं इंशाल्लाह शूट का टाइम देंगे लेकिन हाँ जी? शाम का टाइम होगा क्यों मैं गन ना शूट करना इन सॉरी सॉरी लग जा गले कभी भी नहीं थोड़ा जवाब के फिर ये हसी रात हो ना ऐसी गल नहीं सी हुई वैसे पानी वाली बल्कि गर्म पानी वाली कोई डांग फड़ाओ मैनू यार बल्कि गर्म पानी वाली गन मंगाने फिर मैं कह सकूंगा गई भैंस पानी में डांग पकड़ाओ वो डांग पकड़ाना जिसके साथ नरगिस ने स्टेप किए थे वाके मेरी भांजी नूं कल्ली डांग नहीं नाल मंजी भी दियो असल च ना असी एक ट्रैक दी वीडियो शूट करनी है ओके ओदे वास्ते लोकेशन मैं पसंद कीती है साहिब एरिया लेकिन मामू इतनी ठंडी लोकेशन पे शूट करना क्यों है और मेरी जान तेनू पता है जिन्नी उत्थे बर्फ पैनी है उत्थे इलेक्शन ते होना नहीं मैं कहा असी शूटिंग ही कर लैने पॉलिटिकल सटायर ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਿਮ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ 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 ਆਰ ਐਫ ਲੋ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਚਿਮਟਾ ਵੀ ਪਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਲ ਪੁੱਟੀ ਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਚਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਚਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਝੇ ਵਹੀ ਸੂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਤਾਲੇ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੋ ਤੂੰ मुझे नहीं पहचाना नहीं लगता है अभी तक रेडियो पे जी रहे हो मैं हूँ माइकल लोहार अच्छा माइकल लोहार ये क्या कॉम्बिनेशन है माइकल लोहार साहब इसको माइक्रो लोहार कह लें माइक्रो लोहार कह लें वाह वाह यहाँ कैसे आए मैं यहाँ मलकू जी से मिलने आया हूँ इट्स ऑनर ऑनर फॉर मी ब्रो थैंक यू मलकू जी मेरे माइंड में कुछ आइडियाज हैं क्या है मैं और आप मिलकर बैठ जाएं तो पूरी दुनिया यही समझेगी शुमाली और जनूबी कोरिया मिलकर बैठ गए वाह अच्छा मैं बैठ जाऊंगा तू खड़े रहना एक ही बात है लेकिन कोई आइडिया शेयर तो करे ना फिर वो गौर भी करे यस
मैं भी रक्षों ट्रकों और ट्रालियों के पीछे बहुत भागा हूँ नित नए शेर ढूंढने के लिए। अच्छा मैं जाता हूँ शोज करने तो काफी ऐसे गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं और जब आप गाड़ी रोकते हैं तो वो रुक जाते हैं ना? जाते हैं। अच्छा ये वाला तो लग रहा है किसी जालिम ने भैड़े तरीके ना सिगार बुझाया है। उसे भी सिर चाटा पा के फेर रहे हो कोई बात नहीं। मलकू भाई फिक्र ना करें okay. अभी नए गानों के लिए बहुत कंटेंट है मेरे पास। ओके माइक्रो ब्रो। अभी तो वो भी पड़ा है जलने वाले तेरा मुंह काला। अच्छा सड़े आप फिर दे। और अभी वो भी पड़ा है तू लंग जा साड़ी खैर रहने दो नू। एक हुक लाइन हिट हो ही हो। कौन सी? हारन दे के पास करें। मलकू भाई के वीडियो सॉन्ग की हीरोइन होगी कौन? नूरा फातेही। अरे चुप करो नूरा फातेही के गीते की चंडी। मलकू की इतनी दिलरुबा मॉडल आपको नजर नहीं आती? होए होए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये ना। हाँ जी तू पहले चोली चो अपना पीनट्स बिस्किट ते चोक मेरी जान। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। हाँ जी थोड़ी तरमीम कर ले इसमें। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम रज के खिला ना सकोगे। अच्छा मोहसिन मामू जेहो जी गाने दिया हुक लाइन मलकू भाई पसंद करते ने ये तो शुक्र है अली अजमत गाना छड़ गया नहीं तो गल उतो ही शुरू होनी सी पप्पू यार ठंग ना कर। बिल्कुल था और हम बड़ा सुनते थे कॉलेज टाइम में ये गाना। आओ मिलके गाएं। हो ना साडिया तू नकला उतार हे पिछहट साडी छेड़ ना गिटा हो हो तेनु चढ़े सौ पर आ बुखार हे पक्का दी होवे तेरा बेड़ा ना पार बब्बुआ ओ पप्पू यार ठंग ना कर फू तेरी फू 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 बचपन याद आ गया जे साढ़े पिंड रिच आंदा सी अज नचदा सी। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। चल रहा है मलकू भाई का कॉमेडी रिमांड। मलकू भाई ये बताइए कि आपकी सक्सेस स्टोरी बड़ी फिल्मी सी है। बहुत ज्यादा है ना। सुना है कि आप 100 रुपया लेकर लाहौर आए थे। ऐसे ही था। रियली? घर में भी 100 ही था। सबके जाओ। अच्छा बड़े मजे किए। बल्कि इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ फिल्म का पंजाबी फिल्म का म्यूजिकल कॉमेडी पंजाबी फिल्म इंशाल्लाह वो मेरी लाइफ पे है। 100 रुपया था। मुझे याद है कि एक कच्चा घर वो एक टीन का वो संदूक होता था उसमें 100 रुपया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं स्टार बनना है किराया चाहिए लाहौर का। 100 रुपया लिया यहाँ पे आ गया आपके सामने हूँ। कितना अरसा चलिया 100 रुपया? वो तो राज मुक गया सी किराया लग गया। किराया लग गया फिर यादगार तो पैदल टाउनशिप आ गया। शुक्र करे मलकू दौर अच्छे थे। Yes. आज के दौर में 100 लेके निकले होते थे अगली गली तक नहीं सी पहुंच सकते। सही कह रहे हो। ऐसे ही था। मामू बड़ी मेहनत की है मेरे मलकू ने। ऐवे तो नहीं मेहनत गुण गाती। ढूंढोगे अगर मलकू मलकू मिलने का नहीं नायाब है ये। आहा भाजी कमाल कर दिया। बकवास है ये। मलकू जी सारा अल्ताफ के साथ बहुत गा रहे हैं ये कोलैबोरेशन आईएमएफ के मुआहदे का हिस्सा तो नहीं? आईएमएफ का मुआहदा नहीं जाती मुआहदा है हमारा। ये सारा अल्ताफ ये निमरम मेहरा ये अपने नेहा कक्कर के गानों में अपना लुच ताल रही है। नहीं बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है सारी और मुझे अच्छा लगता है। मैंने बहुत सी आर्टिस्टों के साथ काम किया पाकिस्तानी और मैं समझता हूँ कि मलकू स्टूडियो वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जिन्हें आने वाले को वेलकम करता है। क्या बात। और बहुत सी लड़कियां माशाल्लाह मार्केट में काम कर रही है। तुसी भी पॉलिटिकल सिंगर हो वाकई? यस। कोका नकदा दे विच तुसी क्या नहीं कैदी नंबर 804 होवे? रियली? मामी नथी लो। मामू मैं आपको एक लिस्ट दूंगी प्लीज नोट ऑल नेम। ओके ओके मेरी बटरफ्लाई बेटी। नहीं तुसी नीला थोथा दिवाना उन्हां नूं। ए नीला कोठा तुहानूं कहने।
लेकिन वो मेनू लिस्ट से दस दे उन तमाम फीमेल सिंगर्स की तरफ आपने डाले भेजने जो मलकू के साथ खराब है। मेरा मतलब है कि जो इनके साथ वीडियो में होती हैं, उन सिंगर्स की तरफ आपने डाले भेजने हैं और उनका नाम आपने गुमशुदा अफराद की लिस्ट में डलवाना है ताकि मियां शफाक मेरा बुआ ना छड़े। मामू डाले दे बजाय डॉलर भेजना शुरू कर दे जिन्हें सोनिया ना। डम 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 प्रिंग डम 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 प्रिंग डम 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 प्रिंग डम 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 दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले डम 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 प्रिंग डम 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 दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले फिर आउंदा है स्वाद गलबात दा डम 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 प्रिंग डम 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 प्रिंग डम 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 ओके डम 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 खुल गए ने बाल मेरे रहना मैं नाल तेरे चल मेरे बाप 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 चल मेरे बाप 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 dum 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 bang dum 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 bang dum 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 didi tera hai devar diwana aa didi tera hai devar diwana enu kudiyan nu paura vekho paave daana dum 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 सपनिस्त्री की वाकई मोशन मैनू भी लग रहा है मेदे का सिरप है ढक्कन से उल्ली लगी हुई। अच्छा अच्छा लग ही रहा है पता है पाना का तौलिया नहीं होता जिन्हें और डीवे दी पट्टी नहीं होंदी। मम्मी आप फिर आ गई ना जलील होने। जिसका बच्चा बिलबिलाता हो भूख के साथ हाँ? उस मम्मी को आना पड़ता है। आप अपना बच्चा लेने आई हैं? अच्छा ओके ओके कौन सी मम्मी है आप आज? मैं पायरेटिंग मम्मी हूँ। पायरेटेड यार गल सुनो दफनाओ स्मेल आना शुरू होगी जी बड़ा विका वाह परी यार जे। अच्छा अमीर लोग किड्डे अच्छे दिल दे हुंदे ने जानवर भी गड्डी थले आवे ते पट्टियां करा देंदे। ए पायरेटेड मम्मी आप क्यों आई हैं आज? मैं वो जन्म जड़ी हूँ जिसके जुमला हकूक महफूज नहीं थे। डम 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 प्रिंग डम 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 सुती पई नू सुती पई नू जगांदा रोड़े मार के ए गवांडी मुंडा नंबरांदा। मोशन यस सर लाश लीक हो रही है सर बाकायदा। अच्छा वैसे लाश लीक हो रही है बंदा पूछे ए लाश है या हाजरा खान दी स्टोरी है? लाश लीक हो रही है अल्लाह चुके पेप्सी रखे ना। और किड्डा बेमुकद्दर है टूटी हड्डी है ते अगले ने मुंह प्लास्टर कर दिया। माय डियर मम्मी मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आज पब्लिक डिमांड में आप जो मुद्दा लेकर आई हैं वो बड़ा सेंसिटिव है और उसके शिकार आप भी हैं मैं भी हूँ सरहद पार भी बहुत से सिंगर्स हैं हमारे यहाँ भी बहुत से सिंगर्स हैं। ये एक ऐसा मसला है रॉयल्टी जिसको हम कहते हैं आर्टिस्ट को नहीं मिलती। कॉपीराइट्स का कोई सीन नहीं कोई चक्कर नहीं है कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। हमारे गाने वो चोरी करते हैं उनके गाने हम चोरी करते हैं हमारा गाना कोई भी कवर करके डाल देता है आपके गाने 10 जगह पे लोगों ने गाए होंगे पर आपको कोई उसकी रॉयल्टी नहीं आ रही। रेडियो चैनल्स प्ले करते हैं कोई किसी को रॉयल्टी नहीं देता टीवी चैनल्स प्ले करते हैं कोई हमें रॉयल्टी नहीं देता सिर्फ हमारे हैं बाकी सब दुनिया में। एग्जैक्टली सेठ बड़ी बड़ी कंपनीज वो कमा रही है लेकिन आर्टिस्ट तक नहीं पहुंचा। थैंक यू मम्मी आपने इस मुद्दे को उजागर किया मेहरबानी। डम 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 प्रिंग डम 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 प्रिंग। अच्छा ना लाश लाश नाच कुड़िये नीना शर्मा कुड़िये लाश कुड़ी पे नाच कुड़िये नीना शर्मा कुड़िये एवें बारी विचो चातिया ना पा कुड़िये डम 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 डम
ਡਮ 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 ਡਾਊਂ ਟਾਟਾ ਡੀ ਡਾਊਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਾਲੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਮਰੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਮਰੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਆਪ ਮਰੀ ਕੈਸੇ ਲੋਕੋ ਨੇ मेरे गाने चोरी करके गाए और सारे तौर में आप ले गए और मैं भूख के ए ना उस गाने वाले पीपे डूब के मर गई इसने मुझे कॉपी किया इन्होंने तो कुछ नहीं किया उन्होंने भी मुझे कॉपी किया सारे पैसे ऊपर से जितने होते थे ये ले जाते थे और मैं भूख के साथ मर गई हाय 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 उतले पैसे मेरे लग आताई ये मारते गया वा पर चस भरी आई मारते गया वा पाँ मारते गया पावे चस भरी आई जिंदगी दी जमा पूंजी कफन ते लाई ਸੁਣੋ ਮੋਹਸਿਨ ਜੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਕ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਪੁਰ ਬਹੁਤਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਐਸੀ ਲਾਸ਼ ਕੁੱਟੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਨਤ ਲੇਕਿਨ ਮਲਕੂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਯਾਰ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਮਰੀ ਤੇ ਰੁੱਲ ਕੇ ਮਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁਜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੁਜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਓਕੇ ਮਲਕੂ ਜੀ ਜਬ ਸਿੰਗਰ ਸਟੇਜ ਪੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ तो उन्हें यहाँ से वहाँ से फरमाइशी पर्चियाँ मौसूल होती हैं जिस पे गाना लिखा होता है जी। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि फरमाइशी गाने की जगह मोबाइल नंबर लिखा मिला होता है अक्सर है ना अक्सर होता है आपको कभी मिला मैं तो फोन सुन सुन के करना तो चंडियां पा लिया मैं पूछ रहा था कि आपको कभी कूड़े में से जूस का नया डिब्बा मिला अमामू ये लड़की बड़ा मलकू में इंटरेस्टेड हो रही है जल्दी से शूटिंग की डेट अनाउंस कर दें ये ना हो कि ये इनके साथ वीडियो सॉन्ग कर लें नो 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 मेरी स्वीट बटरफ्लाई पांजी टेंशन ना ले अगर मलकू जी ने ऐसा किया तो इन्हें दी इमदाद बंद कर दी जाएगी ते बदतरीन इक्तसादी पाबंदियां भी ला दी जाएंगी सॉरी सॉरी मामू मामू सॉरी बस इस तो ज्यादा की पाबंदियां और लानियां जी अगे भूखे मर गए हैं आहा मामू प्लीज इस सॉन्ग को वहीं पिक्चराइज करना जहां जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक शूट की वाह 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 वीडियो में वो वाला सीक्वल जरूर रखना कौन सा डिकैप्रियो की तरह मलकू मेरी पेंटिंग बनाए वाह खावर मीर साहब और मैं कैट विंसलेट की तरह नींद डराए मामू ब्रश की जगह मेरे हाथ जुत्ती होवे यार मेरी पांजी तू लेट ही नहीं सकती तेरे उत्ते ते ऐसी टाइटैनिक बनाना पहली गल ते दीवारे चीन जिड्डा कैनवस होना चाहिए वाह 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 अगर ये जी फोटो बनानी है ते बुर्ज खलीफा जिड्डा बुरश होना चाहिए ते रंगा दी पूरी दी पूरी नियाग्रा फॉल चाहिए वाह 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 ते यकीन करी पुत्र फिर भी तेरी पिनियां बाहर रह जानी मलकू भाई अब हम आपसे कुछ रीमिक्स किस्म के सवाल करने जा रहे हैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे जवाब देंगे बिल्कुल हाजी आलम लोहार साहब का हॉली जिन्नी सॉरी आ गई या आशिक जट का मेनू पार लंगा देवे मेनू पार लंगा देवे आहा ओके मिन्नता तेरियां कर दी या ठीक है ओके उस्ताद दामन का मेनू धरती कली करा दे या फिर ख्वाजा परवेज साहब का अख लड़ी बदोबदी अख लड़ी बदोबदी थोड़ा थोड़ा गुनगुनांदे भी जाओ ताकि जरा अख लड़ी बदोबदी डम 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 मौका मिले कदी कदी गल नहीं किसने वेखी मजा लिए लाश दा हाय हाय अख लड़ी बदोबदी डम 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 वाह 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 बहुत बढ़िया सर कतील शिफाई का गीत
पायल में गीत है चमचम के या फिर मजनू सुल्तानपुरी का हम हैं मताए कूचाए बाजार की तरह? कतील शिफाई साहब का। क्या बात सर, बुल्ले शाह का थैया थैया या फिर वारिस शाह का नै नरगसी मर्ग ममोलड़े दे? बुल्ले शाह का थैया थैया। थैया थैया क्या बात है सर। मुस्तफा कुरैशी साहब का कूल स्वैग नवाया सोनिया लगदा है मर गए सोने या फिर सुल्तान राही साहब की शोला बयानी के बार आग गंडासिया तेरे बगैर जट अद्धा रह गया सी। ओए तो निकल जा कटिया नहीं तो मैं तेनू कट दे नहीं सुल्तान राही। ओके लौंडे के लिए तालियां पीट ये। बढ़िया खेला लड़का, बहुत आला बहुत आला सर। अब कुछ गानों के बोल मैं आपको बताऊंगा और आपको गैस कर रही है उसकी अस्थाइयां। ठीक है। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे। मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है। द ग्रेट मेहदी साहब दुरुस्त और अमीर अली के वाले साहब नशा साहब की ये मौसीकी है और कतील शफाई साहब की शायरी है। अरे लो उसे भी बड़ी बड़ी अच्छी जगह ले रहे हो, 5 मरले 20 मरले। अगला गीत है मलकू भाई, लैलपुरों लाला सोना आया। ठीक है। सिंधो हाण दे हाणी खैबर तो लै तुरखम तक आए दिलां दे जानी यारां दे यार आए यार दिलदार आए। आप शरारती आदमी हो। क्यों? बड़े शरारती आदमी है, पूरे बाजार लाया बेच है ये सुल्तान राय दूल्हा बने हुए जी। बाजे बाजे ओ यस राइटर वन एंड ओनली हजी कादरी साहब yes. और अफजाल साहब डांस कर रहे हैं ना, मजे से कर रहे हैं मोजरा। लोर शहर तो जंज चढ़ी ते तार पशोरों खड़के कराची तक दिल धड़के कराची तक दिल धड़के लोर शहर तो जंज चढ़ी ते तार पशोरों कराची तक और कितना गिरोगी तुम लाश? जब तक है जान, जब तक है जान मेहरबान अजरा जान। वेलकम भाई, थैंक यू सो मच फॉर माय प्लेयर। बहुत लुत्फ आया। अब जाते जाते आप सबको पता क्या होने वाली हमारे साथ मलकू भाई, जाते जाते हमारा एक आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है हैप्पी रोस्टिंग। उसमें आपको हम सबको रोस्ट करने सिवाय इसके क्योंकि ऑलरेडी रोस्टेड है। ओके सलमान मियां से शुरू करते हैं। लगता है मुरली तरन का पुत्र है। आ जाए आ जाए आ जाए, अल्लाह रखा साहब सद के जा। एदा मुंह पता किवें है, जिवें लेले दा कान नहीं पुने आंदा। ओके ओके वाजिद खान साहब की बारी। आपके शो का मुझे मजा जो आ जाए, मैंने बहुत से शो किए जी जी जी, बाय गॉड सच कह रहा हूँ, हमारी दूरी रही है कुछ पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन पूरी टीम बहुत अच्छी, आपका स्क्रिप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है और जो आपकी हारमोनी है बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली मींस अ लॉट। ले जुगत कितने बगैर नहीं जान देना सी। अच्छा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा कॉमेडियन, बहुत अच्छा दोस्त, लेकिन लगता है अंग्रेजी नहीं होनी है, छेक तलाकां नहीं होनी है माइक ने, पता नहीं माइक लग रहा है। ओके अगली बार शायरी नन्ना। आर्टिस्ट बहुत अच्छे लेकिन मैंने जहर क्यों लग रहे पेटंगा जाए जिस समय था यार, कुछ जिम शिम जाया कर। अच्छा पुट्ठा सदा एक ही लगता है। ओके अगली बारी है फलक जी की। फलक जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है लेकिन लगता है सिफारशी है, बोलती कम है। बच्चा मैं मोहसिन लाजवाब एक्टर, बहुत अच्छा सिंगर। क्या बात जुगत यार, जुगत तुम तेरे की कह रहे इतना सोना मुंडा है तू। नहीं नहीं क्योंकि जड़ी गल में मननी नहीं वो ना दसो। नहीं नहीं जुगत को नहीं, आपको बहुत सारी दुआएं आपकी टीम के लिए, मालिक बहुत सारी खुशियां, लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत देता है आप पे फर्ज है उसकी इज्जत करें। बेशक बहुत सारी तालियां आप। पब्लिक डिमांड एवरीवन सानी गाइस।